हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप तुम सब लोग खैरियत से होंगे। कफल मॉडल और उसकी शरीर खराबियां। तकफ़ुल का वक्फ फंड नकद रकम की शक्ल में होता है और तकफ़ुल की हामी अफराद की जानब से कहा जाता है कि बवक्त वक्फ रकम की मकदार का तयन किया गया था और मार्केट में सरमाया लगाने की सूरत में जब मुनाफा समेत रकम वापस आती है तो वही मुकर्रर शुदा रकम वक्फ रहती है। बराए मेहरबानी वजाहत फरमाइएगा कि ऐसे वक्फ की नवायत क्या हो सकती है। तकाफुल के हामी अफराद का कहना है कि तकाफुल ऑपरेटर का ये जानने की ज़रूरत नहीं कि क्लाइंट के माल आराम है या नहीं। अलबत्त अगर ये मालूम होता है कि पूरी या गालिब आमदन हराम है तो ऐसे क्लाइंट के साथ काम नहीं करना चाहिए। जानना चाहता हूँ कि एक कारपोरेट क्लाइंट जो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है, जिसकी सीरीज की कीमत मार्केट में कारोबार का बस बनती है, इसे ये कहना दुरुस्त होगा कि हराम जिसका अंदाज़ा ना हो इस्तेमाल किया जा सकता है। जमहूर उलमाए किराम के नज़दीक किसी भी किस्म की बीमा इंश्योरेंस पॉलिसी सूद और कमार जुआ मरकब और मजमुआ होने की वजह से नाजायज़ और हराम है। मरोजा इंश्योरेंस के मतबादल के तौर बाज़ हज़रात ने तकाफुल के नाम से एक निज़ाम मुतारिफ़ कराया है जिसकी बुनियाद उनके बकौल उन्होंने वक्फ की कवायद पर रखी है। इसका तरीका ये होता है कि चंद अफराद मिलकर एक कंपनी कायम करते हैं, फिर नगद की कुछ मकदार वक्फ करके वक्फ फंड कायम करते हैं। चुनाचा तकाफुल पॉलिसी इख्तियार करने वाले हर किस्म के तकाफुल के अतबार से माहाना फीस जमा करवाते हैं, जिसका एक हिस्सा वक्फ फंड में डाल दिया जाता है और एक हिस्सा तजारत में लगाया जाता है। वक्फ फंड में डाला जाने वाला हिस्सा इस पॉलिसी होल्डर के मलकियत से निकल कर वक्फ फंड की मलकियत में दाखिल हो जाता है। दूसरी तरफ फंड कायम करने वाले फंड के मसारिफ यानी मुकफ़ अलीम के लिए शरायत नामा मरतब करते हैं कि पॉलिसी होल्डर जब फंड को इतना चंदा देगा तो बवक्त ज़रूरत उसकी इस फंड से इतनी मकदार में मदद की जाएगी, और जब इतनी मकदार में चंदा देगा तो उसकी इस फंड से इतनी मदद की जाएगी। नेज इब्तदा वक्फ फंड कैम करने वाले खुद अपना भी तकाफुल कराते हैं और अपनी ही वाज़े करदा शरायत वक्फ के तहत खुद भी माल मवक्फ के फ़ायदे से मुतफिक होते हैं। अक्सर जेद और मकदार उलमा तकाफुल के निज़ाम को शरीयत के मुताबिक नहीं समझते। इनके बकौल इस निज़ाम में वक्फ कवायद की मुकम्मल रियायत नहीं की जा सकती। ज़ैल है इस बात से कितना नज़र करते हुए कि तकाफुल ऑपरेटर के लिए क्लाइंट के माल के हलाल या हराम होने की जानकारी ज़रूरी है या नहीं। इस निज़ाम की चंद बुनियादी खामियों का जिक्र किया जाता है। नंबर वन, मरूजा तकाफुल में इब्तदा वक्फ फंड कायम करने वाले खुद अपना भी तकाफुल करवाते हैं और अपनी ही वाज़े करदा शरायत वक्फ के तहत अपने ही मकफा माल से फवैद उठाते हैं, जबकि नकद का वक्फ बजायत खुद महल नजर आए। अगर तामल की वजह से इस दुरुस्त मान भी लिया जाए तो नकद का वक्फ करने वाला खुद अपनी वक्फ करदा मनकोली से नकद वगैरह से नफ़ा नहीं उठा सकता, यानी मनकोली अशिया में वक्फ वाला नफ्स दुरुस्त नहीं है। दूसरी खराबी इस निज़ाम में यह है कि जहाँ पर अक्द की नस्बत कंपनी शख्स कानूनी की तरफ से होती है, जो कि एक फर्जी और मानवी चीज़ है, खारिज में इसका कोई वजूद नहीं है, जिसके अक्द करने वालों का अकाल बालिग होना ज़रूरी है। इस जहर के शाखिस कानूनी में इन दफात का पाया जाना मुकम्मल नहीं है, जिसकी बुनियाद पर तमाम मामलात हकीकत में कंपनी के डायरेक्टर से सर अंजाम देते हैं। चनाचा वो डायरेक्टर जब एक शख्स कानूनी वक्फ फंड को रबल अमाल और दूसरे शख्स कानूनी कंपनी का मुजारब बनाते हैं उस साल में के दोनों मतलूई वो खुद होते हैं, तो नफ्सल अल्लाह मर और हकीकत में वो खुद अक्द के दोनों पहलू रबल माल और मजारब बनते हैं, इसलिए कि डायरेक्टर हजरात ही कंपनी और वक्फ फंड के नुमाइंदगी करते हैं। गोया वो यूं कहते हैं कि वक्फ फंड की तरफ से हम माल मजारबत के लिए देते हैं और कंपनी की तरफ से हम माल मजारबत के लिए वसूल करते हैं। दूसरी तरफ आम तौर पर उनकी डायरेक्टरी को कंपनी कहा जाता है। नतीजा एक ही फ़र्द हकीकी खुद ही रबल माल ठहरा और ख़ुद ही मजारब, जो कि शरण दुरुस्त नहीं है। तीसरी खराबी इस निज़ाम में यह है कि चंदा के रकम वक्फ की मलकियत और शरीयत की रूह से है, इस रकम का मालिक को वापस करना जायज़ नहीं है। ना कल की वापसी, ना ही जी की वापसी, बल्कि इस रकम को वक्फ की तरफ सार्फ वक्फ के मसाला और मकासद में खर्च किया जा सकता है। ऐसी कोई सूरत नहीं कि मुतवल्ली वक्फ की मलकियत वक्फ को आपस में कर दे या चंदा दंदा इसको आपस में ले ले, जबकि तवक्कुल में कफल में चंदे की रकम चंदा दहंदगान को मुख्तलिफ नामों से वापस की जाती है, जिसकी शरीयत में कोई नज़र नहीं।